सिरसा में आज हुड्डा ग्राउंड में किसान मजदूर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा पहुंचे हैं और खुद पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा हमारे साथ इनसे बात करेंगे। सर, किसान मजदूर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, क्या मायने क्या इसके? देखिए, जिस प्रकार से सरों का समंदर उमड़ के आया है और सिरसा के आज तक के राजनीतिक इतिहास में मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ी रैली हुई है, ये अपने आप में एक जन समर्थन, जन समूह का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है और निश्चित रूप से एक बदलाव की बयार एक तूफान का रूप ले रही है। ये मुझे अलग, देखिए, ये गढ़ हुआ करता था चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनके परिवार के बच्चों ताकत तो यहाँ से ली, लेकिन फिर दोनों हाथों से हरियाणा को लूटा, अपने खजानों को बड़ा बड़े बड़े महल बनाए, मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं। यहाँ के किसान के पानी का इंतजाम नहीं किया, कृषि का इंतजाम नहीं किया, शहर के लिए कुछ नहीं किया। जब हुड्डा साहब को सरकार मिली तो यहाँ जो चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी थी उसको बनवाने का काम भी इन्होंने, कई इंस्टीट्यूशन लाई, आगे बढ़ा सिरसा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 10 साल में बैठा बैठा दिया है। क्या यहाँ के सांसद कभी बोले हैं संसद में सिरसा की आवाज बने? यहाँ की आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। सिर्फ आप सांसद बन गए हैं, आप विधायक बन गए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की बात नहीं करते। तो ये लोगों का जनाक्रोश इस रैली के माध्यम से निकल के और उमड़ के आया है, निश्चित रूप से ये हरियाणा में एक बदलाव का संकेत। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटें हैं। पिछली बार देखा हमने कि 2019 के चुनाव थे लोकसभा के, उसमें 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती, कांग्रेस को नहीं मिली। इस बार क्या लग रहा है कि इस रैली के वहाँ कोई असर मिल पाएगा? देखिए, ये सिरसा का तो फैसला आज लोगों ने कर दिया। सिरसा की पार्लियामेंट्री सीट और सिरसा की 9 की 9 विधानसभा सीट लोगों ने अपनी हाजिरी से, अपनी हिम्मत से, अपने संघर्ष से आज कांग्रेस की झोली में डाल दी, यहाँ का फैसला हो गया। लेकिन अगर हरियाणा में नजर डाली जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी को मेरे इतिहास में 2 से 3 सीट मिल सकती है, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सीट नहीं मिलेगी। लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ गुस्सा है, खट्टर साहब की कार्यशैली के खिलाफ गुस्सा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा है, बेरोजगारी के खिलाफ गुस्सा है, किसान के शोषण के खिलाफ उतर, नौजवानों की उम्मीद पर पानी फिरा है, किसान की उम्मीद पर पानी फिरा है, व्यापारी वर्ग को GST से तंगी है। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको जो इस सरकार में तंग ना हो? इसलिए लोग बदले की भावना से आज इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो केंद्र की सीटें हैं चाहे वो हरियाणा की सीटें हैं, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ होगा। भिवानी में आज बीजेपी की रैली की जा रही है, दावा किया जा रहा है बीजेपी की नेताओं के द्वारा, जो स्टेट की लीडरशिप है, कि कांग्रेस से बड़ी रैली बीजेपी की रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में सरकारी अफसरों की भीड़ रहती है, पुलिस के जवान बिठाए जाते हैं, आशा वर्करों को, आंगनवाड़ी वर्करों को लाकर घेर घोट कर सरपंचों को फोर्स किया जाता है। यहाँ तो अपने साधन से, अपनी मर्जी से यहाँ सब लोग आए हैं। और अमित शाह जी की रैली हुई थी करनाल, उनसे बड़ा तो नेता नहीं है ना इनके पास, मोदी हैं या वो हैं, और तो किसी को मैं नेता भी नहीं मानता हूँ। अमित शाह जी की रैली करनाल में 4,000 आदमी आया, इसको इतना प्रचारित किया गया। 28 जनवरी को अमित शाह जी की गोहाना में रैली हुई, भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, कैंसिल करनी पड़ी। और हमने 6 जनवरी को राहुल गांधी जी की रैली की, पानीपत, 0 डिग्री टेम्परेचर में लाखों की भीड़ आई। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ आती नहीं है, जुटाई जाती है। यहाँ भीड़ आती है, यहाँ जुटाई नहीं जाती। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव तुरंत होंगे, क्या उम्मीदें लग रही हैं? आप खुद विधायक रहे हैं, क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? देखिए, मैंने कहा ना कि हरियाणा की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इस कड़कड़ाती ठंड में अपने साधनों से जन समुद्र, जब जन समूह उमड़ के आता है तो आने वाले बदलाव का संकेत हुआ करता है। इन लोगों को घेर घोट कर नहीं लाया गया, इनको कोई सरपंचों के दबाव में यहाँ हाजिरी नहीं करनी पड़ी, सब लोग आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के इस छोर पर, यहाँ कभी एक परिवार का शासन हुआ करता था,
आज उस परिवार को नकार दिया, वो परिवार छिन भिन हो गया है और छिन भिन का टुकड़े टुकड़े होकर फिर भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कोई रानिया में जुड़ा हुआ है, कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं जुड़ा हुआ है, बैठते सब बीजेपी की झोली में है ना। अपने अपने पाप को दबाने के लिए इन्होंने बीजेपी का दामन थाम रखा है ताकि फाइलें ना खुले। आ रहे हैं हुड्डा जी, चिंता ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में अब बदलाव की स्थिति पैदा हो गई है और कांग्रेस माफ करेगी और हरियाणा की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। विजय कुमार कौन लेकर